हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे प्यारे से चैनल वेंस पढ़ाई में। आज हम करेंगे अपना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। और इस साल का जो आपका सिलेबस है ना 2022 एंड 2023, इसमें आपको तीन चीज़ें पढ़नी है, एक अरिथमेटिक मीन, एक मीडियन और एक मोड। तो मैं आपको कम से कम टाइम में फुल डिटेल में एक एक न्यूमेरिकल के साथ, एक मेथड के साथ ये चैप्टर कंप्लीट करवाने वाली हूँ। एक वीडियो पे रहना, आए हो तो पूरी खत्म कर देना, पूरा चैप्टर ही खत्म कर देना। वीडियो को स्विच करोगे तो ना यहाँ गए रहोगे ना वहाँ गए, है ना। सो इसलिए एक बार में अपना चैप्टर कंप्लीट करके ही उठना। ओके, सो लेट्स बिगिन आवर चैप्टर मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। अब यहाँ पर सबसे पहले एक चीज देखते हैं, द वन सिंगल वैल्यू दैट रीड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉम्प्लेक्स एंड वेरिड मैस ऑफ डाटा इज कॉल्ड एज एवरेज और सेंट्रल वैल्यू। कोई भी चीज एवरेज या फिर सेंट्रल वैल्यू कब कहलाती है? कोई ऐसी वैल्यू, कोई ऐसी चीज़ जो कि बहुत सारी चीज़ों का सम हो, है ना। जैसे काफ़ी सारे नंबर्स हैं, उन सबको जोड़कर उनका एक सम निकालकर जो एक वैल्यू आती है ना, उस वैल्यू को हम एवरेज या फिर सेंट्रल वैल्यू कहते हैं। जैसे कि मान लो मेरे पास 5 नंबर है, 1 2 3 4 5, कितने नंबर है? 5। इन 5 नंबरों को मैं जोड़ देती हूँ, 5 प्लस 4 9, 9 प्लस 3 12, 12 प्लस 2 14, एंड 14 प्लस 1 15, 15। ठीक है, तो सम कितना गया? 15। और कितने नंबर थे? 5। तो 15 डिवाइड बाय 5 इज 3। तो ये जो 3 आपको ये जो नंबर दिख रहा है ना, ये जो 3 ये सिंगल वैल्यू आई है, इस 3 के पीछे ये सारे नंबर्स इन्वॉल्व है, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर वही कहा गया है कि एक सिंगल वैल्यू जिसने बहुत सारे मैस ऑफ डाटा, जो कि बहुत कॉम्प्लेक्स और वेरिड था, इस एक सिंगल वैल्यू में उन सभी डाटा के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसको हम एवरेज या फिर सेंट्रल वैल्यू कहते हैं। समझ में आ गया? ओके, सो एवरेज एक ऐसी फिगर है जो कि एवरेज एक ऐसी फिगर है जो कि पूरा डाटा रिप्रेजेंट करती है या फिर पूरा ग्रुप रिप्रेजेंट करती है, और इस चीज़ को ही हम मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कहते हैं। अब फंक्शन क्या है एवरेज के? एक तो ये मैथमेटिकल रिलेशनशिप शो करता है, समझ में आ रही है। उसके बाद डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है, कंपैरिजन करने में हेल्प करता है, कोई भी दो तीन चीज़ों में कंपैरिजन करना हो तो, और बहुत सारे डेटा में से ये एक सिंगल आउटपुट हमें निकाल के दे देता है। कैरेक्टरिस्टिक देखो, सिंपल है, कैलकुलेट करने में आसानी से समझ में भी आ जाता है, ज़्यादा बड़ी बड़ी वैल्यूज अगर आ जाए डेटा में तब भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, और सारी ऑब्जर्वेशंस के ऊपर ये डिपेंड होता है, बेस्ड होता है। तो ये फंक्शंस और कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अब हमें इस चैप्टर में, जैसे मैंने आपको बताया, सिंपल अरिथमेटिक मीन या फिर मीन जिसको आप बोलते हो वो पढ़नी है, मीडियन पढ़नी है और मोड पढ़ना है। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी मीन से कि मीन या फिर सिंपल अरिथमेटिक मीन क्या होती है, ठीक है। सो अरिथमेटिक मीन जो होती है वो एक नंबर होता है, जब हम टोटल वैल्यू, जो भी आपकी टोटल वैल्यू है अलग अलग आइटम की, उसको डिवाइड कर देते हैं नंबर ऑफ आइटम्स से। जैसे मैंने अभी आपको ऊपर निकल के दिखाई कि जितने भी आइटम्स हैं, जितने भी वैल्यूज हैं, उन सबका टोटल कर दो, डिवाइड कर दो जितने भी नंबर हैं, जितने भी आपके आइटम है, कितना आइटम है, 1 2 3 4 5, तो आइटम से डिवाइड कर दे नंबर ऑफ आइटम से अपॉन ऊपर जितने भी आइटम है उनका सम निकाल दिया, और जो आंसर आया वो मीन हो जाती है, दैट इज। तो यहाँ पर भी वही लिखा हुआ है कि मीन या फिर अर्थमेटिक मीन हमें कैसे मिलती है। ये एक ऐसा नंबर होता है जो कि हमें मिलता है बाय डिवाइडिंग टोटल वैल्यू, जो टोटल वैल्यू है अलग अलग आइटम की, बाय नंबर ऑफ आइटम, है ना। सो ऊपर टोटल वैल्यू आ जाएगी यानी कि प्लस 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 करके, और नीचे नंबर ऑफ आइटम की, कितने नंबर ऑफ आइटम थे उससे हम मीन निकाल लेते हैं। अब कुछ मेथड्स हैं, कुछ मेथड्स के द्वारा हमें मीन कैलकुलेट करनी है। एक होता है सीरीज ऑफ इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन, इस ऑब्जर्वेशन के अंदर हमें ये तीनों मेथड परफॉर्म करना है, ठीक है। और फिर डिस्क्रीट सीरीज आती है, डिस्क्रीट सीरीज में भी ये तीनों मेथड हमें परफॉर्म करना है, और कंटिन्यूस सीरीज में भी हमें तीनों मेथड परफॉर्म करना है, ऐसे हमें सॉल्व करना है, ठीक है। और वैसे मीन को निकालने के लिए तीन मेथड होते हैं, एक डायरेक्ट मीन मेथड, एक शॉर्टकट मेथड या फिर एज्यूम्ड मीन मेथड, और एक स्टेप डेविएशन मेथड। अब आप कहोगे कि ये कैसे निकलते हैं, तो इन सभी चीज़ों का आपको फॉर्मूला बताया जाएगा कि जैसे मैंने आपको बताया कि सीरीज ऑफ इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन में भी ये तीनों फॉर्मूले आएंगे, इन तीनों फॉर्मूले में भी ये तीनों मेथड आएंगे, इसमें भी ये तीनों मेथड आएंगे, तो टोटल आपके 9 मीन के फॉर्मूले बनेंगे, ठीक है। वो मैं आप अभी आपको लिखवाऊंगी। साथ ही साथ ये दो, ये आपने मीन पढ़ ली, साथ ही साथ आपको वेटेड मीन और कंबाइंड मीन भी पढ़नी है। तो अब सबसे पहले हम फॉर्मूला ही देख लेते हैं। फॉर्मूला जितना अच्छे से याद रखोगे उतना ज़्यादा आसानी होगी, ये पूरा चैप्टर ही फॉर्मूला के ऊपर है ना। तो लेट्स बिगिन। अब सीरीज है इंडिविजुअल सीरीज जो कि हम सबसे पहले पढ़ेंगे, फिर डिस्क्रीट सीरीज एंड देन कंटिन्यूस सीरीज।
अब सीरीज मैंने लिख ली इंडिविजुअल, मेथड है मेरा डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड, ठीक है। डायरेक्ट मेथड जो है वो सिग्मा एक्स अपॉन एन, तो मीन आ जाएगी एक्स की, ठीक है। उसके बाद इंडिविजुअल सीरीज में शॉर्टकट मेथड में कैसा आएगा, ए यानी कि एज्यूम्ड मीन हमारी प्लस सिग्मा डी अपॉन एन, ठीक है। स्टेप डेविएशन में ए प्लस सिग्मा डी डैश अपॉन एन इंटू सी, है ना। ये जो x के ऊपर ये बार लगा हुआ है इसका क्या मतलब है कि x की मीन, ठीक है, x की मीन यानी कि मीन ऑफ x, है ना। और डिस्क्रीट सीरीज में डायरेक्ट मेथड में फॉर्मूला है सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन, और शॉर्टकट मेथड में a प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन एन, और यहाँ पर a प्लस सिग्मा डी डैश अपॉन एन इंटू सी। समझ में आ रहा है। अब सेम ऐसे ही कंटिन्यूस सीरीज का भी फॉर्मूला है सिग्मा एफ एम अपॉन एन, फिर ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन एन, और ए प्लस सिग्मा एफ डी डैश अपॉन एन इंटू सी। ये फॉर्मूलाज जितनी जल्दी आप अच्छे से याद कर पाओगे उतना जल्दी अच्छा रहेगा, क्योंकि इन्हीं चीज़ों से आपको सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं, ठीक है। अब वैसे ही सेम कंबाइंड मीन का भी मेथड है, कंबाइंड मीन का भी फॉर्मूला है। अब कंबाइंड मीन क्या होता है कि हम किन्हीं भी दो चीज़ों को कंबाइन कर रहे हैं, साथ में लेके आ रहे हैं, यानी कि मीन ऑफ वन एंड मीन ऑफ टू, है ना। सो यहाँ पर अब जैसे दो दो नंबर्स की या फिर दो ग्रुप ऑफ डेटा की मीन आपको दी हुई है, एक मीन वन एक मीन टू। तो एक मीन का नाम है एक्स वन बार और दूसरी का है एक्स टू बार, यानी कि एक एक्स वन की मीन और एक्स टू की मीन, और दो नंबर्स भी हैं यानी कि एन वन और एन टू। तो मीन ऑफ एक्स वन मल्टीप्लाई एन वन प्लस मीन ऑफ एक्स टू मल्टीप्लाई एन टू अपॉन एन वन प्लस एन टू इज द फॉर्मूला ऑफ कंबाइंड मीन। और वेटेड मीन का क्या फॉर्मूला होता है, यानी कि सिग्मा डब्ल्यू एक्स अपॉन सिग्मा डब्ल्यू, समझ रहे हो। ये डब्ल्यू मतलब वेट और एक्स जो है वो हमारा वेरिएबल है। तो बस सबसे पहला काम आपका है फॉर्मूला याद रखने का, फॉर्मूला याद आंसर सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपनी सीरीज ऑफ इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन स्टार्ट करेंगे, उसके अंदर हम डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड या फिर एज्यूम मीन मेथड और स्टेप डेविएशन करेंगे। फिर सेम इसकी जगह बदल जाएगी डिस्क्रीट सीरीज, फिर इसकी जगह कौन सी बदल जाएगी कंटिन्यूअस सीरीज। समझ में आ रहा है। ओके, सो लेट्स बिगिन विद सीरीज ऑफ इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन, ठीक है। सीरीज ऑफ इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन में सबसे पहले क्वेश्चन है कि आपको वर्कर दिए हुए हैं ए बी सी, ये तीन वर्कर हैं और इनकी वेजेस दी हुई है जिसका नाम एक्स दिया हुआ है, ठीक है। वेजेस हैं 10, 10, 10, 20, 10, 30, और अब उसको क्या करना है आपको यहाँ से मीन निकालनी है, ठीक है। तो आपने देख लिया कि वर्कर कितने, तीन वर्कर है, तो आपका एन कितना आ गया, थ्री आ गया, ठीक है। और उसके बाद ये वेजेस को आपने, वेजेस एक हमारा वेरिएबल है ना जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, तो वेजेस जो है वो एक्स मान लोगे आप। तो यहाँ पर आपको सिग्मा एक्स निकाल देना है, सिग्मा एक्स, सिग्मा एक्स मतलब कि जितनी भी एक्स की वैल्यूज है उनको आप ऐड करोगे तो आपका सिग्मा एक्स आ जाएगा। तो इन तीनों को ऐड करोगे तो सिग्मा एक्स कितना आ गया, 3060, है ना। अब सीरीज ऑफ इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन में आपको डायरेक्ट मेथड से मीनिंग मीन निकालनी है, तो यहाँ पर आओ। सीरीज ऑफ इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन में डायरेक्ट मेथड का क्या फॉर्मूला होता है, सिग्मा एक्स अपॉन एन, यही फॉर्मूला है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर लिखोगे फॉर्मूला कि मीन का फॉर्मूला है, मीन तो हम ऐसे ही लिखते हैं ना, तो मीन का क्या फॉर्मूला है, सिग्मा एक्स अपॉन एन। सिग्मा एक्स आपने यहाँ पर निकाला 3060 और एन जो था वो आपका 3 था, डिवाइड करोगे तो मीन कितनी आ गई, 1020। सिंपल, है ना। तो ये हो गया आपका सीरीज ऑफ इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन का डायरेक्ट मेथड। अब हम आते हैं शॉर्टकट मेथड पे, शॉर्टकट मेथड कैसे करना है। वही नंबर ऑफ वर्कर्स आपको सेम है ए बी सी, उसके बाद वेजेस आपने एक्स मानी हुई थी, वेजेस हैं 10, वही सारा सेम डेटा, ठीक है। अब वेजेस को आपने क्या माना है, एक्स। शॉर्टकट मेथड को आप एक और चीज से जानते हो, क्या है वो, एज्यूम्ड मीन मेथड, है ना, एज्यूम्ड मीन मेथड। और एज्यूम्ड मीन मेथड में क्या होता है कि जैसे एक्स है, ये एक्स आपने वेरिएबल लिया है, इस एक्स में से ही आप हमेशा कोई एक नंबर चुन लोगे, एज्यूम कर लोगे। जैसे कि यहाँ पर आप, मैंने चूज किया हुआ है 10
10, तो ये मेरा एज्यूम्ड मीन हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है, एज द नेम ऑफ द मीन मेथड सजेस्ट। तो आपको एज्यूम्ड मीन चुनना है हमेशा एक्स में से। तो मैंने यहाँ पर 1010 चुन लिया, आप चाहे तो ये भी चुन सकते हो और ये भी चुन सकते हो। अब मैं क्या करूँगी, इन दोनों में से डी निकालूंगी। डी कैसे निकालूंगी, डी का फॉर्मूला है एक्स माइनस ए। एक्स तो यही हो गया, समझ रहे हो, एक्स की तो ये सारी वैल्यूज हो गई, और ए क्या चुन लिया आपने इसमें से, 1010। तो यानी कि यहाँ पर मेरा ए कितना है, 1010, तो मेरा डी आ जाएगा। तो आप डी निकालो कि 1010 में से 1010 माइनस करोगे तो 0, अब 1020 में से 1010 माइनस करोगे तो 10, और ऐसे यहाँ पर 20। तो ये सारी वैल्यूज मेरी किसकी आ गई, डी की। और अब मैं सिग्मा डी निकाल लूंगी। सिग्मा डी कैसे निकलेगा, इन सारी डी की वैल्यूज को ऐड करूंगी, तो 10 + 20 + 0 = 30, और एन जो है हमारा 3 है ही। अब ये कौन सी सीरीज चल रही है, सीरीज ऑफ इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन की शॉर्टकट मेथड है ना। तो हम आते हैं टेबल पे, सीरीज ऑफ इंडिविजुअल मेथड का शॉर्टकट मेथड में मीन का फॉर्मूला है ए प्लस सिग्मा डी अपॉन एन, है ना। तो अब मैं यहाँ पर वही लिखूंगी, ए प्लस सिग्मा डी अपॉन एन। ए जो था वो मैंने कितना चुना था, 1010, और सिग्मा डी कितना चुना था हमने, मतलब कितना आया था हमारा, 30, और एन जो था वो हमारा कितना था, 3, है ना, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 3 थी हमारी। तो 30 / 3 = 10, तो कितना आ गया, मीन इज 1020। अब यहाँ पर ही हमें स्टेप डेविएशन मेथड करना है। स्टेप डेविएशन मेथड में कैसे करोगे, वर्कर आपको गिवन है वही सेम डेटा है, ठीक है, इसमें से आपने एन थ्री निकाल लिया, एन इज इक्वल्स टू 3, क्योंकि 3 ही तो वर्कर्स है। फिर आपने वेजेस को एक्स मान रखा था, 1010 1020 1030, ये आपका क्वेश्चन ही है ना। उसके बाद आपने एज्यूम्ड मीन मेथड में डी निकाल लिया था, डी इज इक्वल्स टू एक्स माइनस ए, ये निकाल लिया था आपने। और यहाँ पर आपने ए किसको चुना था, एज्यूम्ड मीन किसको चुना था, 1010 को, यहाँ पर मैंने ए लिख दिया, ठीक है, और ऊपर भी लिख दिया। अब यहाँ पर डी निकल गया था हमारा ऊपर ही कि 1010 माइनस, ये ए की वैल्यू 1010 है और एक्स की जो वैल्यूज है वो सारी ये है, तो इन दोनों को माइनस किया तो 0, इन दोनों को माइनस किया तो 10, इन दोनों को माइनस किया तो 20, तो यहाँ पर सिग्मा डी भी आ गया था हमारा 30। अब यहाँ पर स्टेप डेविएशन मेथड में एक और चीज ऐड हो जाएगी, डी डैश। अब ये डी डैश कैसे निकालोगे कि x माइनस ए तो ऐसे ही ऊपर आ जाएगा, बस एक चीज से डिवाइड हो जाएगा, c। अब ये c क्या होता है, c इज कॉमन फैक्टर, क्या होता है, c एक कॉमन फैक्टर होता है जिसके थ्रू, यहाँ पर देखो मैंने लिखा हुआ है, जिसके थ्रू सारी d की वैल्यूज डिवाइड हो जाएंगी। तो हम ऐसी कौन सी वैल्यू ले जिससे कि सारी ये जो डी की वैल्यूज है वो डिवाइड हो जाए। तो आप देखोगे कि 0, 10 और 20 को मैं किस नंबर से डिवाइड करूँ कि सारी डिवाइड हो जाए। तो आप देखोगे 10 ऐसा नंबर है जिससे सारी वैल्यूज, तीनों वैल्यूज डिवाइड हो जाएंगे। तो आपने सी को क्या ले लिया, 10 ले लिया। तो अब आप क्या करोगे, एक्स अपॉन एक्स माइनस ए अपॉन सी एन। तो x माइनस ए की सारी वैल्यूज तो ये है और अपॉन में आपको करना है c, और c आपने कितना ले लिया यहाँ पर, 10। तो 0 डिवाइड बाय 10 तो 0, 10 डिवाइड बाय 10 1, 20 डिवाइड बाय 10 इज 2, ठीक है। तो d डैश की भी सारी वैल्यूज आपकी यहाँ पर आ गई। अब आप किस किस को टोटल करोगे, n तो आपका 3 है क्योंकि 3 ही तो वर्कर्स हैं। उसके बाद आपने d का भी सिग्मा निकाल दिया जो कि 30 था, और अब आप d डैश का भी सिग्मा निकालो, 2 + 1 3, 3 + 0 = 3, तो सिग्मा डी डैश कितना आ गया आपका, 3। अब आपको बस फॉर्मूला लगाना है जो कि स्टेप डेविएशन मेथड का फॉर्मूला क्या है, टेबल में देखो, एज्यूम्ड मीन सिग्मा डी डैश अपॉन एन इंटू सी। अब वैल्यू लगा दो, एज्यूम्ड मीन आपने कितनी चुनी थी, 1010 प्लस सिग्मा डी डैश आपका कितना आया, 3, और एन कितना था आपका, 3, और सी आपने कितना लिया था, 10, तो यहाँ पर 1 1 × 10 = 10, और आपका 1020 आ गया। अब यहाँ पर देखो, चाहे आप स्टेप डेविएशन मेथड से करो, चाहे आप एज्यूम्ड मीन मेथड से करो, चाहे आप डायरेक्ट मेथड से करो, आपकी मीन जो है वो सब में सेम आई है। तो ये एक फैक्ट है कि आपकी मीन सेम सेम ही आनी है, चाहे आप किसी भी मेथड से कर लो। सो दिस इज सीरीज ऑफ इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन और उनके सारे मेथड्स के फॉर्मूले। अब हम आते हैं अपने डिस्क्रीट सीरीज पे, ठीक है। नाउ कमिंग टू वर्ड्स डिस्क्रीट सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज में अब हम क्वेश्चन देख लेते हैं। आपको गिवन है मार्क्स जो कि आपका एक्स है, ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन है एग्जैक्ट जैसे मैंने आपको दिखा रखा है ना स्क्रीन पे, वही क्वेश्चन है। और यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है जिसको माना हुआ है एफ,
ठीक है, ये फ्रिक्वेंसी है, ये एक्स वेरिएबल है, और मार्क्स दिए हुए हैं, और ये बता रखा है कि इतने मार्क्स 10 नंबर कितने बच्चों के आए हैं, दैट्स इट, है ना। तो अब आपको क्या करना है, डिस्क्रीट सीरीज में डायरेक्ट मेथड में मीन निकालने हैं। तो आप सबसे पहले लिखोगे मार्क्स कि कितने हैं, 10, 20, 30, 40, 50, ऊपर से लिखोगे देख देख के, उसके बाद साथ के साथ इनकी फ्रीक्वेंसी भी लिख दो, यानी कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 5, 10, 40, 20, 25, और ये एक्स है और ये एफ है ना। तो एफ एक्स कर दो, यानी कि एफ को मल्टीप्लाई कर दो एक्स है, समझ रहे हो, क्योंकि आपके फॉर्मूला में ही एफ एक्स मांगा हुआ है। तो 5 × 10 = 50, 200, 20 × 10 = 200, 13 × 40 = 1200, तो ऐसे एफ एक्स की वैल्यू आ गई। अब आपको क्या करना है, जो ये एफ है ना, ये एफ पहले आप क्या करते थे, जो भी एक्स में से एन निकलता था वो आप निकाल लेते थे, है ना। लेकिन यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यानी कि जो आपकी फ्रीक्वेंसी होती ना उसमें से एन आएगा डिस्क्रीट सीरीज में से। तो इसमें ध्यान रखना, एन मतलब कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, कि कितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, कितने नंबर ऑफ आइटम्स है, इस तरीके से। तो एन में आप ऐड करोगे जितनी भी फ्रीक्वेंसी है सारी की सारी, तो आपका एन जो है इन सबको ऐड करने के बाद आएगा 100, और एफ एक्स का आप टोटल कर लोगे तो सिग्मा एफ एक्स कितना आएगा, इन सबको टोटल करोगे तो 3500 आएगा। अब डिस्क्रीट सीरीज का डायरेक्ट मेथड में, सो अब डिस्क्रीट सीरीज का डायरेक्ट मेथड में क्या फॉर्मूला होता है, सिग्मा सॉरी एक्स बार, यानी कि ये जो मीन है एक्स की, वो क्या होगी कि सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन, है ना। अब सिग्मा एफ एक्स क्या होता है, 3500, और डिवाइड करेंगे हम एन से यानी कि 100, तो 3500 डिवाइड बाय 100 इज 35, तो सिग्मा एक्स यानी कि मीन जो हमारी 35 आ गई। अब सेम ऐसे ही हमें शॉर्टकट मेथड में करना है, आपने लिख दिया मार्क्स कितने हैं जो भी आपका क्वेश्चन में गिवन था, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपने लिख दिया यानी कि फ्रीक्वेंसी लिख दी इतने जो कि आपके क्वेश्चन में ही था, एन भी आपका 100 आ गया फ्रीक्वेंसी को टोटल करके, ये तो आपको आता ही है। और शॉर्टकट मेथड में या फिर एज्यूम्ड मीन मेथड में मैंने आपको हमेशा बोला है कि आप डी निकालोगे, क्या निकालोगे, डी। आपने इंडिविजुअल सीरीज वाले मेथड में भी निकाला था ना, ये देखो यहाँ पर आपने इंडिविजुअल सीरीज वाले मेथड में भी डी निकाला था, डी इज एक्स माइनस ए, वैसे ही अब आपको डिस्क्रीट सीरीज में भी निकालना है शॉर्टकट मेथड में, यानी कि डी इज इक्वल्स टू एक्स माइनस ए, आई गेस अब विजिबल होगा, हाँ ठीक है, एक्स माइनस ए। अब मैं कहाँ से लूँगी इसको, ए को, ए को मैंने लिया एक्स में से, ठीक है इधर से, तो मैंने इस 30 को एज्यूम्ड मीन मान लिया, और अब मैं एक्स माइनस ए की वैल्यू मैं आराम से निकाल सकती हूँ, एक्स की सारी वैल्यूज ये रही और ए मेरा 30 मैंने चुन ही लिया, तो 10 - 30 - 20, 20 - 30 - 10, 30 में से 30 0, 40 में से 30 10, 50 में से 30 20, तो डी की वैल्यू भी आ गई। अब हमें क्या करना है, एफ और डी को मल्टीप्लाई करना है। क्यों मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि जी हमने फॉर्मूला देखा था, फॉर्मूले में एफ डी मांगा हुआ है, तो एफ और डी तो कैसे होंगे जब हम एफ वाले वैल्यूज को और डी वाले वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे, तो एफ डी का भी कॉलम बनेगा क्योंकि फॉर्मूला में यही मांगा हुआ है। तो 5 × -20 - 100, फिर -100 = 0, 200 = 500, ऐसे ही एफ डी के सारे सारे जितने भी वैल्यूज है टोटल करोगे, यानी कि देखो 200 में से 200 गए, ठीक है, तो 0 और बचा 500 ही, ठीक है, तो एफ डी जो है आपका सिग्मा एफ डी 500 आ गया। अब आपको लगाना है फॉर्मूला, फॉर्मूला है एज्यूम्ड मीन प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन एन, एफ डी आपका 500, एन जो है आपका 100 था, और एज्यूम्ड मीन आपने चुनी थी 30, तो जो मीन आ गई वो आपकी 35 आ गई। अब यहाँ पर देखो बॉड मास आपको पता ही, आप सोचोगे पहले हमने इनको ऐड क्यों नहीं करा, इसको डिवाइड क्यों कर दिया पहले, तो ये बॉड मास का रूल है, पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है, फिर ऑफ, फिर उसके बाद डिवीजन होता है, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन, तो ये बॉड मास रूल ध्यान रखना, ठीक है। और अब हम आते हैं स्टेप डेविएशन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड में भी सेम है, यहाँ तक जितना आपने एज्यूम्ड मीन मेथड में किया था उतना ही आपको सेम करना है, बस डी के साथ साथ आपको डी डैश भी निकालना है, ठीक है। डी डैश कैसे निकालोगे कि इस वाली वैल्यू को डिवाइड करोगे सी से, सी आपको, सी क्या होता है, कॉमन फैक्टर, ऐसा कोई कॉमन फैक्टर जिससे कि सारी डी की वैल्यूज डिवाइड हो जाए। अब डी की वैल्यूज पे गौर डालो, -20, -10, 0, 10 और 20, ऐसा कौन सा नंबर है जिससे ये सारी वैल्यू आराम से डिवाइड हो जाए, 10, तो मैंने C को क्या ले लिया, 10, तो अब A, X माइनस A की जितनी भी वैल्यूज हैं उनको मैं डिवाइड करूंगी 10 से, तो इन सबको डिवाइड करूंगी 10 से, तो ये सारी वैल्यूज आ गई, तो मेरा D डैश भी आ गया। अब मैं क्या करूंगी, जो ये
एफ था मेरा, एफ और डी डैश, तो एफ और डी डैश को मल्टीप्लाई करूंगी, यानी इस नंबर को और इस नंबर को साथ साथ ऐसे ऐसे करके, ठीक है, और इन सब नंबर को मल्टीप्लाई करूंगी तो एफ डी डैश आ जाएगा, यानी कि 5 × -2 इजिकल्स टू -10, 10 × -1 इजिकल्स टू -10, 40 × 0 इजिकल्स टू 0, ऐसे ऐसे करके एफ डी डैश आ जाए, और सिग्मा एफ डी डैश जो है वो कितना होगा, 50, समझ रहे हो, मतलब इन सबको ऐड करके, ये 20 में से 10 गए, फिर 10 गए, फिर बचा 50 ही, अब आपको बस फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। तो फॉर्मूला जो है वो आपका क्या है, एज्यूम्ड मीन प्लस सिग्मा एफ डी डैश अपॉन एन इंटू सी, सी तो आपका सीधा 10 ही था, ये तो पता है आपको, एफ डी डैश आपका ऊपर 50 था, यहाँ पर लिखा ही हुआ है, उसके बाद आपका एन जो था वो 100 था, और एज्यूम्ड मीन आपने कितनी चुनी थी, 30 चुनी थी, है ना, तो 30 लगा दिया, अब आपके यहाँ आ गया यहाँ पर मीन 35, बस सिंपल सी चीज है इसके अंदर, है ना। तो इसके साथ साथ ये भी कंप्लीट हो गई, अब हम आते हैं अपनी कंटिन्यूअस सीरीज पर, ठीक है। कंटिन्यूअस सीरीज में क्या होता है, यहाँ पर देखो, कंटिन्यूअस सीरीज में ना क्लास इंटरवल्स होते हैं, क्या होते हैं, क्लास इंटरवल, यहाँ पर देखो आपको बीच बीच में इंटरवल्स दिख रहे होंगे, तो ये इसको हम क्लास इंटरवल कहते हैं, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको दिए हुए हैं इस क्वेश्चन में, कैसे करना है डायरेक्ट मेथड में वो देखो, सबसे पहले ये जो मार्क्स है इसको आपने एक्स मान लिया, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपकी फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, तो आपने मार्क्स लिख लिए सारे जितने भी क्वेश्चन में गिवन थे, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को जो आपने फ्रीक्वेंसी माना है वो भी आपने लिख लिया, और फ्रीक्वेंसी में से ही आपका सिग्मा एफ या फिर एन आपका 15 आ जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, क्योंकि पहले तो ये एक्स सिंगल वैल्यू होती थी, है ना, कोई एक सिंगल वैल्यू होती थी, लेकिन अब तो इंटरवल है, कोई एक सिंगल वैल्यू नहीं है, तो इसलिए हम इस एक्स को जो कि अभी इंटरवल में है, इसको इसमें से हम मिड पॉइंट निकालेंगे। मिड पॉइंट कैसे निकालेंगे, ये होती है लोअर लिमिट, ये होती है अपर लिमिट। लोअर लिमिट इस वाली में देखो, इस वाली में लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2, तो कितना आ गया, 4 / 2 इज 2, मिड पॉइंट कितना गया, 2, ऐसे यहाँ पर लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2, तो 12 / 2 इज 6, तो ये आ गया, सेम यहाँ पर 10, यहाँ पर 14, तो मिड पॉइंट भी आ गया। अब आपके पास एफ भी है एम भी है, तो एफ एम निकाल लो, यानी कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 2 4 8, 8 6 48, 2 10 20, 1 14 14, अब एफ एम का सिग्मा कर दो, एफ एम कितना आ गया, इन सबको ऐड करोगे तो आ गया आपका 90। अब बस आपको फॉर्मूला लगाना है, मीन आएगी सिग्मा एफ एम से अपॉन सिग्मा एफ, सिग्मा एफ जो है वो आपका 15 है, और उसके बाद सिग्मा एफ एम कितना आया था, 90, और मीन कितनी आ गई आपकी, 6। ईजी। अब यहाँ पर शॉर्टकट मेथड देखना है, शॉर्टकट मेथड में भी आपने पहले लिख लिया मार्क्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिख लिए, मिड पॉइंट जो ऊपर निकाले थे वो सेम ही है। अब शॉर्टकट मेथड में आपको डी निकालना होता है, हमेशा से डी में हमेशा एक्स माइनस ए होता था, लेकिन इस बार हमारे पास एक्स इंटरवल्स में, तो इसलिए हम एक्स में से जो हमने मिड पॉइंट निकाला था हम वो लिखेंगे एम, ठीक है, एम माइनस ए। तो यहाँ पर ए जो है वो कितनी चुनी हुई है, देखो यहाँ पर भी मैंने लिखा हुआ है कि वी विल चूज ए फ्रॉम एम, और यहाँ पर हमने ए जो है वो 2 चुन लिया है, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ दिस इज आर ए, ठीक है, तो एम माइनस 2 हम कर देंगे, तो अब यहाँ पर एम की सारी वैल्यूज ये रही, और एम की सारी वैल्यूज को 2 उसमें से 2 माइनस करना है, तो 2 - 0, 2 - 2 इज 0, और उसके बाद 6 - 2 इज 4, 10 - 2 इज 8, 14 - 2 इज 12, तो डी की वैल्यू आ गई। अब हमारे पास डी भी है एफ भी है, तो एफ डी निकालो, मतलब इस वैल्यू को और इस वैल्यू को मल्टीप्लाई कर लो, 4 0 0, 8 4 32, 8 2 16, 12 1 12, तो एफ डी आ गया। तो अब यहाँ पर आपका सिग्मा एफ भी आ गया, यानी कि एन भी 50 आ गया, और एफ डी भी आपका सिग्मा, इन सबको ऐड करोगे तो 60 आ गया, ठीक है। बस फॉर्मूला पुटअप करना है कि सिग्मा एक्स इज इक्वल, सॉरी एक्स बार यानी कि मीन इज इक्वल्स टू एवरेज, सॉरी एज्यूम्ड मीन प्लस एफ डी अपॉन एन, और सारी वैल्यूज पुट करने के बाद आपकी मीन आ जाएगी, ठीक है। अब और देखो, स्टेप डेविएशन मेथड रहता है, उसके बाद कंबाइंड मीन एंड देन व्हाट वी कॉल दैट वेटेड मीन वाला क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। स्टेप डेविएशन मेथड में भी सेम, आपने एक्स निकाला, एफ ये तो आपको क्वेश्चन में ही था, एम आपने ऊपर निकाल लिया था, 2 को आपने एज्यूम्ड मीन ले लिया था, फिर आपने डी भी निकाल लिया था ऊपर ही। अब डी डैश निकालने के लिए आपको कॉमन फैक्टर से डिवाइड करना पड़ेगा, कॉमन फैक्टर आपको ऐसा लेना पड़ेगा कि ये डी की सारी वैल्यूज डिवाइड हो जाए, और आई गेस डी की सारी वैल्यूज जो है वो 4 से ज़्यादा अच्छे से डिवाइड होगी, 4 1 4, 4 2 4, 3 है ना, तो मैंने सी जो है 4 ले लिया, और 4 की वैल्यूज लगाने के बाद
मतलब सी को फोर लेने के बाद सारी डी की वैल्यू डिवाइड हो जाएगी, तो 0, 1, 2, 3 आ जाएगा। अब मेरे पास डी डैश भी है और एफ भी है, तो एफ और डी डैश को मल्टीप्लाई करेंगे और एफ डी डैश आ जाएगा। अब एफ डी का सिग्मा निकालोगे, मतलब इन सारी वैल्यूज को ऐड करोगे, तो सिग्मा एफ डी जो है 15 आ जाएगा आपका, है ना। और अब यहाँ पर आपको बस फॉर्मूला लगाना है, जो आपका फॉर्मूला है, सी आपने 4 लिया था, एफ डी आपका आ गया था, एफ डी डैश है ये, है ना। यहाँ पर मैं एफ डी डैश लगा देती हूँ, तो एफ डी डैश जो है वो आपका 15 गया था, एन जो है वो भी आपका 15 था, एन आपका 15 था, एक सेकेंड, हाँ ये देखो एन यहाँ पर मैंने लिखा नहीं हुआ, इसमें सिग्मा एफ या फिर एम जो है आपका 15 था, तो वो आपने यहाँ पे लिख दिया, और उसके बाद एज्यूम्ड मीन आपने 2 ली थी, बस सॉल्व करके आपका मीन आ गया, ठीक है। तो ये थी आपकी सारी की सारी जितनी भी मीन थी, वो सारी चीज़ें, जितनी भी सीरीज थी, इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन, डिस्क्रीट सीरीज या फिर आपका कंटिन्यूस सीरीज, उनके जितने भी मेथड थे, डायरेक्ट, एज्यूम्ड और स्टेप डिवीजन मेथड, वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम पढ़ेंगे कंबाइंड मीन। कंबाइंड मीन क्या होती है कि दो मीन्स को हमने कंबाइंड किया हुआ है। अब यहाँ पर देखो, मीन मार्क्स ऑफ 60 स्टूडेंट, 60 स्टूडेंट के मीन मार्क्स सेक्शन ए में 40 थे, और मीन मार्क्स ऑफ 40 स्टूडेंट्स इन सेक्शन बी, दूसरे सेक्शन के मीन मार्क्स जो थे वो 35 थे। तो दो मीन है हमारे पास, है ना, सेक्शन ए है और सेक्शन बी है, और दोनों सेक्शन की मीन कितनी है 40, और एक की है 35। तो ये एक्स वन मीन बन गई और ये एक्स टू मीन बन गई, है ना। और उसके बाद नंबर ऑफ स्टूडेंट, NOS मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने थे, पहले सेक्शन में कितने बच्चे थे 60 और दूसरे में 40 थे, तो ये एन वन बन गया और ये एन टू बन गया। और कंबाइंड मीन का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा सॉरी मीन ऑफ कंबाइंड मीन के ये जो है फॉर्मूला लगाओगे आप, एन वन एक्स वन की मीन प्लस एन टू एक्स टू की मीन और अपॉन एन वन प्लस एन टू, ठीक है। सो आप यहाँ पर सारी की सारी वैल्यूज पुट अप करोगे, पुट अप करने के बाद सिंपल सॉल्व करनी है, और कंबाइंड मीन जो आपकी वो 38 मार्क्स आ गई। सिंपल इजी सी चीज़ है, बस आपको वो याद होना चाहिए, व्हाट वी कॉल दैट फॉर्मूला, ठीक है। अब आपको क्या करना है, एक करेक्ट मीन निकालनी है यहाँ पे, ठीक है। करेक्ट मीन देखते हैं वो कैसे निकलेगी। द अर्थमेटिक मीन, ये किसी मीन का सीरीज नहीं है, बट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, सो इसको यहाँ पर आप मार्क कर लो इम्पॉर्टेंट, ठीक है। यहाँ पर आप देख लेते हैं, द अर्थमेटिक मीन ऑफ अ सीरीज ऑफ 40 आइटम, कितने आइटम है, 40 आइटम है, और वॉज कैलकुलेटेड बाय अ स्टूडेंट एज 265 रुपीज़। तो ये अर्थमेटिक मीन कितनी है, 265 और 40 आइटम्स है। बट वाइल कैलकुलेशन एन आइटम ऑफ 115 वॉज मिसरेड एज 150, और कैलकुलेशन के टाइम पे एक आइटम था 115 का, लेकिन उसको गलती से 150 का बना दिया, लेकिन मीन तो आ गई ना 265। तो अब हमें करेक्ट मीन निकालने हैं, वो कैसे निकालेंगे हम, ठीक है। सो अब यहाँ पर देखो, मीन का क्या फॉर्मूला होता है, सिग्मा एक्स अपॉन एन, यही फॉर्मूला होता है। और सिग्मा एक्स का फॉर्मूला कैसे निकलेगा, इसका फॉर्मूला कैसे निकलेगा, इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो क्योंकि अभी डिवाइड में है, तो सिग्मा एक्स बार यानी कि मीन इंटू एन, समझ में आ रही है। अब आपकी मीन कितनी थी, 265, और एन जो था वो आपका 40 था। देखो एन नंबर ऑफ आइटम्स कितने थे, 40, और मीन कितनी थी 265, तो 265 ये रही और 40 ये रहा। अब आपको सिग्मा एक्स निकालना है, ठीक है। सिग्मा एक्स यानी कि कितने वो थे आपके टोटल अमाउंट ऑफ एक्स, है ना, टोटल डाटा जो था एक्स का वो कितना था, तो 265 इंटू 40, तो सिग्मा एक्स कितना आ गया, 10,600, समझ में आ रहा है, 10,600। अब 10,600 का माल था पूरा का पूरा किस चीज़ का था, ऊपर देखो, यस हाँ, तो जितना टोटल आइटम कितना था, 10,600 का। इनकरेक्ट क्या था आपका, इनकरेक्ट था आपका 150, है ना, मिसरीड था, और करेक्ट कितना था 115, तो इनकरेक्ट को आपने माइनस कर दिया, वैल्यू निकाल ली, उसके बाद ऐड कर दिया जो करेक्ट आइटम था और वैल्यू निकाल ली। तो करेक्ट मीन कैसे निकालोगे, ये अब आपका क्या चीज़ आ गई, ये आपका आ गया सिग्मा एक्स, जो करेक्ट वाला सिग्मा एक्स है ना। और ये जैसे ही आपका आ गया, तो फिर आपने ये वाली वैल्यू को ऊपर लिख दिया, क्योंकि आपको पता है कि मीन का जो फॉर्मूला होता है वो सिग्मा एक्स अपॉन एन होता है, और आपका ये जो सिग्मा एक्स है ना, ये वाला चीज आ गया, और एन तो आपका 40 था, है ना। तो उसके बाद आपकी करेक्टेड मीन जो है वो 264.12 आ गई। तो जब भी आपको करेक्टेड मीन निकालने के लिए आ जाए ना, तो आपको ये चीज ठीक करनी होती है, सिग्मा एक्स वाली, समझ में आ रहा है। तो ये चीज आपको ठीक करनी है, बस बाकी सब तो ईजी, ओके।
तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। ये जितनी भी मैंने अभी आपको मीन करवाई ना, उसमें से ये क्वेश्चन लिया हुआ है। तो वो देखो, कैलकुलेट मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेली वेजेस ऑफ द वर्कर इन अ फैक्ट्री। डेली वेजेस दिए हुए हैं, नंबर ऑफ वर्कर्स दिए हुए हैं। तो डेली वेजेस में यहाँ पर बिलो 120 और अबव 180 दे रखा है, तो इसका तो हमारा कोई काम नहीं है, बिलो और अबव का हमें तो नंबर्स चाहिए खाली, है ना। तो यहाँ पर देखो कितना गैप है, 20 20 का गैप है, तो हम यहाँ पर 20 माइनस कर देते हैं क्योंकि यहाँ पर बिलो लिखा हुआ है, और यहाँ पर 20 ऐड कर देते हैं क्योंकि यहाँ पर अबव लिखा हुआ है। तो यहाँ पर 20 माइनस करेंगे तो 100 आ जाएगा, यहाँ पर 20 ऐड करेंगे तो 200 आ जाएगा। तो हमारा इंटरवल कितना बन जाएगा, ये सारे इंटरवल हमारे बन जाएंगे, ठीक है। अब इसको हमने डेली वेजेस को एक्स मान लिया, और नंबर ऑफ वर्कर्स जो यहाँ पर गिवन है इसको मैंने एफ मान लिया, ठीक है। तो नंबर ऑफ वर्कर्स भी हमने यहाँ पर लिख लिया। अब यहाँ पर देखो, अब आपको मीन कैलकुलेट करनी है, लेकिन यहाँ पर इस क्वेश्चन में ये नहीं बोला हुआ कि मीन आपको किस मेथड से कैलकुलेट करनी है, कैसे क्या कैलकुलेट करनी है ना। बट आपको ये चीज़ दिख रही है कि यहाँ पर क्लास इंटरवल है, क्लास इंटरवल किस सीरीज में होते थे, कंटिन्यूस सीरीज में, याद आ रहा है, कंटिन्यूस सीरीज में होते थे आपके क्लास इंटरवल। तो आप इसमें से निकाल सकते हो। तो यहाँ पर देखो, ऊपर ही चलते हैं हम क्लास इंटरवल वाली सीरीज पे, कंटिन्यूस सीरीज पे, ठीक है, उसके डायरेक्ट मेथड पे। देखो यहाँ पर वही क्लास इंटरवल आ गया, नंबर ऑफ स्टूडेंट सेम चीज़ आ गई। अब आपको बस एफ निकाले था, ये निकाले था, अब मीन मिड पॉइंट निकालेंगे और एफ एम निकालेंगे, सिंपल सी बात है ना। तो अब हम आते हैं उसी क्वेश्चन पे, ठीक है। इस क्वेश्चन पे देखो, अब हमारे पास एक्स तो ढंग का है नहीं क्योंकि सारे के सारे इंटरवल में, समझ में आ रहा है। तो अब हम एक्स से क्या निकाल लेंगे, अपना एम निकाल लेंगे। एम कैसे निकालोगे, लोअर वैल्यू लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन टू, यानी कि 100 प्लस 120 अपॉन 2 110। तो ऐसे से करके सारी इनका आप मिड पॉइंट निकालोगे, और आपके पास एफ भी है एम भी है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो एफ एम आपका सारा वैल्यू आ जाएगी। और उसके बाद आप नीचे की साइड सिग्मा एफ 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 एम निकालोगे, 11,200 700 इन सबको ऐड करने के बाद आ जाएगा, एफ एम की वैल्यू आ गई और एफ भी आपका 80 आ गया इन सबको ऐड करने के बाद। बस उसके बाद आपको फॉर्मूला लगाना है कंटिन्यूस सीरीज के डायरेक्ट मेथड का, जो कि है सिग्मा एफ एम अपॉन सिग्मा एफ, और वैल्यूज लगा के आपकी मीन आ जाएगी, मीन यानी कि डेली वेजेस, ठीक है। अब आती है हमारी लास्ट चीज जो कि है वेटेड मीन, उसके बाद हमारा मीडियन स्टार्ट होगा, ओके। वेटेड मीन भी बहुत आसान है, जैसे कि यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि फूड आर्टिकल्स हम लोगों ने दिए हुए हैं आपको, और इन फूड आर्टिकल्स के आपको प्राइस भी दिए हुए हैं किलो के हिसाब से, जिसको आपने एक्स माना हुआ है, ठीक है। और उसके बाद इन प्राइसेस की क्वांटिटी भी कितनी है वो भी लिखी हुई है, और ये क्वांटिटी क्या होती है, वेट, नापने वाली चीज़ होती है ना। तो ये क्वांटिटी को आपने लिया हुआ है वेट, और प्राइस जो है उसको आपने लिया हुआ है एक्स, ठीक है। तो आपने प्राइस लिखे हुए हैं फूड आर्टिकल्स, ये तो आपको क्वेश्चन का ही पार्ट है, और क्वांटिटी भी, ये जो क्वांटिटी है ये भी आपको क्वेश्चन में ही दी जाएगी, तो क्वांटिटी भी यहाँ पर मेंशन है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपके पास एक्स भी है, प्राइस को आपने एक्स माना हुआ है, क्वांटिटी को आपने डब्ल्यू माना हुआ है, क्वांटिटी तो डब्ल्यू होनी है, आप डब्ल्यू इंटू एक्स कर दो, यानी कि इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो ये सारी वैल्यूज आपकी आ जाएंगी डब्ल्यू एक्स की, ठीक है। आप डब्ल्यू एक्स का सिग्मा कर दोगे, इन सबको ऐड करोगे और सिग्मा डब्ल्यू निकालोगे। और मीन का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा डब्ल्यू एक्स अपॉन सिग्मा डब्ल्यू, दोनों वैल्यूज को पुट अप करोगे, यहाँ से डिवाइड करना चाहो तो पूरा कर सकते हो, अदरवाइज जरूरी नहीं अगर आपको लेंदी लगे तो, और आपकी लास्ट मीन जो है वो इतनी आ जाएगी। तो वेटेड मीन में वही है कि आपको डब्ल्यू उस चीज़ को लेना है जिसका वेट कर सके हम, जिसकी क्वांटिटी हो कोई चीज़, है ना, कोई चीज़ नापी तो ली जाए उसको आप डब्ल्यू लोगे, और दूसरा वेरिएबल जो होगा उसको आप एक्स लोगे। तो सिंपल सी ये चीज़ थी, है ना। तो इस तरीके से फाइनली हमारी जो मीन है वो वाला पार्ट तो खत्म होता है, बस बचा है अब हमारा मीडियन और मोड। मीडियन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो मीडियन सबसे पहले हम इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन में करेंगे, फिर डिस्क्रीट, फिर कंटिन्यूस, वही सारी चीज़ें हैं ना। तो मीडियन स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा, क्वेश्चन देखो अब इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन का, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा ऑफ हाइट ऑफ 7 स्टूडेंट इन अ क्लास कंप्यूट द मीडियन हाइट, कि आपको 7 स्टूडेंट्स दे रखे हैं हाइट एक क्लास में, और मीडियन हाइट निकालनी है आपको। तो स्टूडेंट्स का नाम है अक्षु, देवेन, सुरेश, मयूर, अतुल, सतीश और हिमांकर, और इन सबकी हाइट जो है वो सेंटीमीटर में आपको दे रखी है, 151, 140, 149, 142, 147, 144 और 145, ठीक है। इंडिविजुअल सीरीज है, तो अब हमें मीडियन में एक चीज़ ध्यान रखनी होती है कि जब भी हम आंसर निकालते हैं ना, तो हमें सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में करना होता है, मतलब ये जो आपको दे रखा है ना, ये सब आपको पहले असेंडिंग ऑर्डर में करना होगा, यानी कि सबसे पहले छोटी हाइट आएगी, सबसे छोटी हाइट कौन सी है, 140 की देवेन की, फिर 142, फिर 144, फिर ऐसे ऐसे करके, है ना।
तो आप सबसे पहले यहाँ पर असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करोगे नेम ऑफ द स्टूडेंट्स एंड हाइट को, तो हाइट के हिसाब से नेम ऑफ द स्टूडेंट्स आप यहाँ पर लिख लोगे, ठीक है। आपने इतना काम कर लिया। अब मीडियन का क्या फॉर्मूला आता है वो देखो, मीडियन इज इक्वल टू साइज ऑफ एन प्लस वन अपॉन टू आइटम, मीडियन इज इक्वल्स टू साइज ऑफ एन प्लस वन अपॉन टू आइटम, ठीक है। तो आप यहाँ पर कितने मेंबर्स थे आपके पास, कितने बच्चे थे क्लास के अंदर, सात बच्चे थे, देवेन, मयूर, सतीश, हिमांकर, अतुल, सुरेश और अक्षु, सात बच्चे थे। तो आपने एन कितना लिख लिया, सेवन, तो सेवन प्लस वन अपॉन टू, एट अपॉन टू इक्वल्स टू फोर, तो मीडियन का साइज कितना आ गया, फोर्थ आइटम। अब फोर्थ आइटम कौन सा है, वन टू थ्री फोर, यानी कि फोर्थ, यानी कि हिमांकर की जो हाइट है ना 144 सेंटीमीटर, वो हमारी मीडियन हाइट मानी जाएगी, इजी। अब इसी क्वेश्चन में थोड़ा ट्विस्ट है, इस क्वेश्चन में एक ऐड कर दिया जाता है कि अभी तक तो आपके पास सात बच्चे थे, अब आपके पास एक आठवां और है जिसका नाम राजेश और उसकी हाइट 152 है, ठीक है, 152 सेंटीमीटर। तो अब हमें इसको अरेंज करने की भी जरूरत नहीं क्योंकि सब ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में ही अरेंज है ना। तो अब हम क्या करना है, मीडियन का फॉर्मूला लिखेंगे। अब हमारा क्वेश्चन ये बन जाता है, ये वाला क्वेश्चन, कि हमारे पास टोटल आठ बच्चे हैं और एक नया बच्चा ऐड हुआ है राजेश, 152 सेंटीमीटर की हाइट वाला, ठीक है। फॉर्मूला लिखोगे, मीडियन इज इक्वल्स टू साइज ऑफ एन प्लस वन अपॉन टू आइटम, एन कितने आपके ऊपर देखो, पहले सात थे अब आठ हो गए, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, तो एन की जगह आप क्या लिखोगे, एट, ठीक है। एट प्लस वन अपॉन टू इजकल्स टू नाइन अपॉन टू इजकल्स टू फोर पॉइंट फाइव, फोर पॉइंट फिफ्थ आइटम, लेकिन यहाँ पर फोर्थ पॉइंट फिफ्थ कहाँ पे आएगा, इन दोनों के बीच में यहाँ पर, तो यहाँ पर तो हमारी मीडियन हाइट निकल नहीं रही ना, तो हम क्या करेंगे, फोर्थ पॉइंट फोर पॉइंट फिफ्थ आइटम में दो आइटम्स आएंगे, एक फोर्थ आइटम भी आएगी और फिफ्थ आइटम भी आएगी, क्योंकि हमारा ये पॉइंट फोर पॉइंट फाइव वाला यहाँ पर लाई कर रहा है, तो यानी कि फोर आइटम और फिफ्थ आइटम दोनों कंसिडर की जाएंगी। तो हम क्या करेंगे, फोर्थ आइटम की भी हाइट लिखेंगे और फिफ्थ आइटम की भी हम यहाँ पर हाइट लिखेंगे, डिवाइड करेंगे टू से, तो 292 अपॉन टू इजकल्स टू 146 सेंटीमीटर हमारी हाइट बन जाएगी। और देखो यहाँ पर भी 145 और 147 के बीच का पॉइंट आया था, तो यहाँ पर 146 ही तो आएगा, तो ये हमारी मीडियन हाइट बन जाती है। और ये थी हमारी इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो ऐसे मीडियन निकालनी है इन इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन। अब हम आते हैं डिस्क्रीट सीरीज पर। डिस्क्रीट सीरीज में आपको मीडियन कैसे निकालनी है, मार्क्स आपको गिवन है, ठीक है, यहाँ पर मार्क्स गिवन है आपको टोटल 80 तक, उसके बाद नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी आपको गिवन है ऐसे करके, ठीक है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले इस क्वेश्चन को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है कि जब से सबसे कम मार्क्स कितने बच्चों के हैं, उससे सबसे पहले आपको इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, लेकिन ये ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में है कि 10 नंबर वाले इतने हैं, 20 नंबर वाले इतने हैं, 30, 40, 50, 60, 70, 80, तो ये सारे असेंडिंग ऑर्डर में ही होता है, छोटे से बड़ा, ठीक है। तो हमें अरेंज करने की जरूरत नहीं, तो मैंने मार्क्स लिख दिए, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को आप क्या मानते हो, फ्रीक्वेंसी है ना, तो फ्रीक्वेंसी और ये आपने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिख दिए, समझ में आ रहा है। अब डिस्क्रीट सीरीज में जब भी आपको मीडियन निकालनी होगी तब आप कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालोगे, क्या निकालोगे, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, जिसको आप CF बोलते हैं। अब वो कैसे निकलेगी ये ध्यान से देखना, ये टू जो ऊपर सबसे ऊपर वाली जो यूनिट होगी वो तो सेम होगी टू, आपने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को एफ इसलिए माना है क्योंकि आप इसी एफ में से CF निकालोगे इसलिए, ठीक है। तो टू का तो टू आपने सेम लिख दिया, अब टू प्लस एट टेन, और उसके बाद टू प्लस एट प्लस 16 26, 2 प्लस 8 प्लस 16 प्लस 26 52, उसके बाद 2 प्लस 8 प्लस 16 प्लस 26 प्लस 20 72 है ना, उसके बाद 72 प्लस 16 88, फिर 88 प्लस 7 95, फिर 95 प्लस 4 99, इस तरीके से, समझ में आ रहा है, इतना समझ में आ। तो ये आपकी निकल गई कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, और आप यहाँ पर ऑलरेडी n जो है वो निकाल के रखो, n या फिर सिग्मा f जो है वो आपका 99 है, ठीक है। अब आपका फॉर्मूला क्या होता है मीडियन का, मीडियन इज इक्वल्स टू साइज ऑफ एन प्लस वन अपॉन टू का आइटम, है ना, यही होता है। अब यहाँ पर एन कितना है आपका, एन आपने निकाला था 99, कितना निकाला था 99, या तो आप ये वाला एन लोगे या फिर जब भी आपकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का लास्ट पार्ट होता है ना, लास्ट जो नंबर होता है वो आप कंसिडर करोगे इस एन में। तो यहाँ पर अभी आपका एन या फिर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो लास्ट पार्ट है वो 99 है, तो आप 99 यहाँ पर लिखोगे प्लस वन अपॉन टू, 100 अपॉन टू इजकल्स टू 50th आइटम। अब ये जो 50th आइटम है ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में कहाँ किस लाइन में ऐड हो रहा है, इस लाइन में ऐड हो रहा है, यहाँ पर 52 है ना कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो इस 52 में ही 50th आइटम ऐड होगा। तो ये वाली जो आपकी लाइन है ना
इस वाली लाइन में आपकी मीडियन मार्क्स मिलेंगे, तो मीडियन मार्क्स आपके कितने आ गए, ये आ गए 40, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ मीडियन फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। अब ये ऊपर जैसे ही क्वेश्चन आ गया, आपको डेली वेजेस गिवन है और नंबर ऑफ वर्कर्स गिवन है। डेली वेजेस को आप क्या मान लोगे, एक्स, और नंबर ऑफ वर्कर्स को आप एफ मानोगे। लेकिन क्योंकि मीडियन निकाले तो सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर ले, है ना। तो असेंडिंग ऑर्डर में कैसे अरेंज करेंगे, सबसे पहले 50 वाले को, फिर उसके बाद 70, फिर 80, फिर 100 वाला, और फिर 110 वाला। तो इस तरीके से सबसे पहले आप वेजेस को अरेंज करोगे, फिर उनका ये लिखोगे नंबर ऑफ वर्कर्स जो है, जो आपकी फ्रीक्वेंसी है वो लिखोगे उस हिसाब से कि 50 वेजेस कितनी है 20 वर्कर्स की, 70 कितनी है 15 वर्कर्स की, 80 कितनी है 12 की, 100 कितनी है 15 की, और 110 कितनी है 18 की, ठीक है। तो आपने एफ भी लिख लिया। सी एफ निकालोगे, 20 का 20 रहेगा, फिर 20 प्लस 15 इज इक्वल्स टू 35, फिर 35 प्लस 12 इज इक्वल्स टू 47, 47 प्लस 15 इज इक्वल्स टू 62, और 62 प्लस 18 इज इक्वल्स टू 80, ठीक है। अब यहाँ पर फिर से आपको वही लिखना है, मतलब जो आपका फॉर्मूला है, साइज इज साइज ऑफ 1 प्लस एन प्लस 1 अपॉन 2 का आइटम, और एन जो है वो आपको कहाँ से आएगा, ये वाला, ये जो चीज़ आपकी, ये आपकी n बन जाएगी, समझ रहे हो, ये चीज़, या फिर आप इसको टोटल करोगे सिग्मा f को, है ना, ये भी आपकी 80 है, ओके। तो आप यहाँ पर n जो है वो 80 लिखोगे, 80 प्लस 1 अपॉन 2, 81 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 40.5th आइटम आपका यहाँ पर आएगा। अब ये जो 40.5th आइटम यहाँ पे लिखा हुआ है वो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में किस लाइन में आएगा, 47 वाली लाइन में, ऑब्वियसली बात है 35 में तो आएगा नहीं 40, है ना, 47 वाली लाइन में आ जाएगा 40.5। तो ये वाली जो आपकी लाइन बन जाएगी, इसमें ये जो वेजेस है आपकी 80, ये आपकी मीडियन वेजेस बन जाएंगी, ईजी। अच्छा, अब हम आते हैं कंटिन्यूस सीरीज ऑफ मीडियन पे। इसमें आपका एक फॉर्मूला लगेगा, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, वो ध्यान से देखना। यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको मीडियन कैलकुलेट करने, वो भी कंटिन्यूस सीरीज के हिसाब से। तो यहाँ पर आपको एज दी हुई है, ठीक है, ये जितनी भी आप देख रहे हो ये सारी आपकी एज है, टोटल 50-55 तक दे रखी है, ठीक है, ये आपकी एज गिवन है, और आपके यहाँ पर ऊपर नंबर ऑफ पर्सन्स गिवन है, और नंबर ऑफ पर्सन्स को फ्रीक्वेंसी माना है। फ्रीक्वेंसी हम किसको मानते हैं, जिसको हम गिन सकते हैं, ऑब्वियसली बात है ना। तो नंबर ऑफ पर्सन, अब हम क्या करेंगे, हमें तो सबसे पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होगा, क्योंकि यहाँ पर देखो पहले 45 वाला दे रखा है, फिर 30 वाला, तो हम सबसे पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। तो हमने इस एज को और एज के हिसाब से फ्रीक्वेंसी को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया, तो हमने एज लिख दी असेंडिंग ऑर्डर के हिसाब से, जैसे कि 20, 25, 25 to 30, 30 to 35, उसके बाद हमने इनकी फ्रीक्वेंसीज भी यहाँ पर लिख दी, तो वो चीज़ भी हमने कर दी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, वही हमारा सी एफ निकालना होता है, ठीक है। तो 14 यहाँ पर लिख दिया, फिर 14 प्लस 28 42, फिर 42 प्लस 38 75, 75 प्लस 30 105, 105 प्लस 20 160, ऐसे ऐसे करके हमने सी एफ के लास्ट तक आ गए 160। अब ये लास्ट वाला जो सी एफ होता है उसको हम एन मानते हैं, ऑब्वियसली बात है। तो अब हमें क्या करना है, ये देखो, सो जैसे ही अब आपने देखा कि एन जो है वो आपका 160 आएगा, क्योंकि सी एफ का ये लास्ट नंबर जो होता है वो आपका एन माना जाता है, ठीक है। अब आप क्या करोगे, मीडियन निकालोगे, क्योंकि ये कंटिन्यूस सीरीज है तो थोड़ा आपका चेंज होगा। पहले आप क्या करते थे, मीडियन इज इक्वल्स टू एन प्लस 1 अपॉन 2 टी एच आइटम, ये वाला आप निकालते थे, लेकिन अब आपको कैसे निकालना है, मीडियन इज इक्वल्स टू एन बाय 2 आइटम, ठीक है। तो एन कितना था आपका 160 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 80th आइटम। अब ये 80 किस सीरीज में आएगा, ऑब्वियसली इस सीरीज में, तो इस सीरीज को आप मार्क कर लो। अब यहीं से आपका कुछ चीज़ें निकलेंगी, यहाँ से इस चीज़ से, कैसे, ये देखो, इस सीरीज़ में क्लास डिवीजन आपका कितना है, 35 एंड 40, क्लास डिवीजन 35 एंड 40 है, तो ये लिख लिया। लोअर लिमिट कितनी है आपकी, 35, समझ में आ रहा है। अब आपको क्या करना है, ये जैसे आपका इस वाली सी एफ में आपका 80 आया था, ये 80th आइटम, इससे ऊपर वाली जो सी एफ है ना, ये आप यहाँ पर कंसिडर करोगे, अभी जब आप फॉर्मूला में पुट करोगे ना, और फॉर्मूला में आपसे सी एफ पूछा जाएगा, तो इससे ऊपर वाली पुट करोगे आप, ठीक है। तो आपका, आप देखो मीडियन का फॉर्मूला कंटिन्यूस सीरीज में क्या होता है, एल वन यानी कि लोअर लिमिट जो कि आपकी 35 है, और एन अपॉन 2 कितना आ गया था आपका 80 जो ऊपर निकाल दिया था, उसके बाद सी एफ कितना है, मैंने आपको बताया था कि ऊपर वाली लोगे यानी कि 75 कंसिडर करोगे, तो 75 आपकी सी एफ आ गई। फ्रीक्वेंसी कितनी है, फ्रीक्वेंसी देखो आपकी
ये देखो फ्रीक्वेंसी आपकी 30 है, क्योंकि इस वाली क्लास में था ना आपका 80 इंक्लूडेड, तो फ्रीक्वेंसी आपकी 30 हो गई। तो फ्रीक्वेंसी आपने 30 लिख दी। और आई, आई मतलब होता है गैप, कि क्लास इंटरवल के बीच में कितना गैप है। देखो पाँच पाँच का गैप है, तो आपका आई कितना आ गया, 5। अब आपने सारी वैल्यूज पुट अप कर दी और सॉल्व करोगे तो मीडियन आपका कितना आ जाएगा, 35.83 ईयर्स। तो ये कंटिन्यूस सीरीज का होता है, समझ में आ गया कि कैसे मीडियन कंटिन्यूस सीरीज में निकलते हैं, क्या फॉर्मूला होता है वो चीज़। ओके अब एक क्वेश्चन हम एक्स्ट्रा में कर रहे हैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन ही आते हैं तो मैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट मार्क कर रही हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर देखो अरिथमेटिक मीन आपको दी हुई है 28, और आपको ए, ये एक मिसिंग फिगर जो यहाँ पर आपको दी हुई है ना, ये आपको फाइंड करनी है, और एक आपको मिसिंग फ्रीक्वेंसी के साथ है, दूसरा आपको मीडियन फाइंड करना है। आपको ये दो डिटेल्स दी हुई हैं, प्रॉफिट पर रिटेल शॉप और नंबर ऑफ रिटेल शॉप, फिर आपको मीन गिवन है, आपको निकालनी है ये मिसिंग फ्रीक्वेंसी और एक मीडियन निकालनी है। तो आप क्या करोगे, ये जो आइटम आपको दिए हुए ना, प्रॉफिट और नंबर ऑफ रिटेल शॉप, नंबर ऑफ रिटेल शॉप तो आपका एफ बन गया और प्रॉफिट जो है वो आपका एक्स बन गया, ठीक है। तो आप यहाँ पर लिख दो प्रॉफिट जितना भी है वो सारा आपने लिख लिया, और नंबर ऑफ रिटेल शॉप आपने लिख लिया, ये आपका एफ हो गया। जो फ्रीक्वेंसी आपकी यहाँ पर ऊपर मिसिंग थी, यानी कि 30 और 40 वाले क्लास इंटरवल में, उसकी जगह आप एक्स लिख दो। क्या लिखोगे, एक्स। अब आपको क्या करना है, ध्यान से देखो, आपको मीन गिवन है, क्या गिवन है क्वेश्चन में, मीन गिवन है। तो यानी कि हम किसी ना किसी तरीके से मीन के थ्रू ये एक्स निकाल सकते हैं। अब मीन में तो कई सारी सीरीज होते, कई सारे फॉर्मूलाज होते, मेथड्स होते, कौन सी निकाले। तो यहाँ पर नजर डालो प्रॉफिट में, क्लास इंटरवल है, क्लास इंटरवल मतलब कंटिन्यूस सीरीज है ना, कंटिन्यूस सीरीज की डायरेक्ट मेथड से कर देते हैं। तो कंटिन्यूस सीरीज में मीन का फॉर्मूला क्या होता है, ये वाला, मीन इज इक्वल्स टू सिग्मा एफ एम अपॉन सिग्मा एफ, समझ में आ रहा है। तो अब सबसे पहले हमारे पास ये x है, x की पहले सिंगल वैल्यू होती थी, लेकिन कंटिन्यूस सीरीज में क्लास इंटरवल आते हैं तो हम x में से ही m निकाल देते हैं, यानी कि मिड पॉइंट। तो लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2 से क्या आता है हमारा, m। तो सारे के सारे ऐसे ही आप m निकाल दोगे, लोअर लिमिट अपर लिमिट अपॉन 2, फिर आ गया m, तो सारे m आ गए। ऑलरेडी f गिवन है, तो f इंटू m करोगे तो एफ एम आ जाएगा, तो एफ एम भी आ जाएंगे सारे। आप नीचे इनको ऐड कर दोगे, सिग्मा एफ एम जो है वो आपका कितना आ जाएगा, देखो जब आप 35 इंटू एक्स करोगे तो 35x हो जाएगा, समझ में आ रहा है। और जब आप इन सबको ऐड करोगे तो इसको छोड़ के बाकी सबको ऐड करो पहले, तो 2100 आएगा, प्लस 35x करो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर सिग्मा एफ में या फिर एन कैसे निकालोगे, पहले इन सबको ऐड करो जो कि आएगा 80, प्लस एक्स अलग से लिखो, समझ में आ रहा है। अब यहाँ पर फॉर्मूला लगा दो, फॉर्मूले में आपको मीन ऑलरेडी क्वेश्चन में दी गई थी विच इज़ 28, और एफ एम लिखो ये वाला पार्ट, और सिग्मा एफ लिखो ये वाला पार्ट। अब यहाँ पर इन सब, ये वाला यहाँ डिवाइड में इसके पास चला जाएगा मल्टीप्लाई में, तो सेम यहाँ पर मल्टीप्लाई में गया, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, प्लस लगाओ, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करो, ऐसे आपकी ब्रैकेट ओपन हो गए। फिर उसके बाद न्यूमेरिकल की फॉर्म न्यूमेरिकल के पास लेके आओ, और वेरिएबल वाली फॉर्म वेरिएबल के पास लेके जाओ विद साइन चेंज, और एक्स की वैल्यू जो है वो आपकी 20 आ जाएगी, दैट इज मिसिंग फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पर जो आपकी मिसिंग फ्रीक्वेंसी है वो आपकी 20 आ जाएगी, और इसी तरीके से आपका सिग्मा एफ और सिग्मा एफ एम भी आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। अब आप मीडियन कैसे निकालोगे, अब आपकी मिसिंग फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी 20 आ चुकी है, तो आपने प्रॉफिट लिखा, एन ओ आर यानी कि नंबर ऑफ रिटेल शॉप लिखा, जो कि आपकी फ्रीक्वेंसी थी, फिर मीडियन निकाल। और अच्छा, ऑलरेडी ये आपका असेंडिंग फॉर्म में है तो आपको अरेंज करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये ऑलरेडी असेंडिंग फॉर्म में, बस आपको सी एफ निकालने हैं। 12 सेम रहेगा, 12 प्लस 18 30, फिर 30 प्लस 27 57, फिर 57 प्लस 20 77, तो ऐसे कर करके आपका सी एफ जो है लास्ट में 100 आ जाएगा, तो ये 100 जो आपका एन हो जाएगा, है ना। तो अब यहाँ पर देखो, ये क्योंकि यहाँ पर क्लास इंटरवल है, तो ये मीडियन जो है आपका कंटिन्यूस सीरीज वाला है, कंटिन्यूस सीरीज में मीडियन का फॉर्मूला वो लंबे वाला था जो मैंने अभी आपको रिसेंटली करवाया। तो मीडियन इज इक्वल्स टू साइज ऑफ एन बाई टू आइटम, एन एन कितना आपका 100, तो 100 अपॉन 2 इक्वल्स टू 50th आइटम, है ना। तो अब यहाँ पर 50th आइटम में ये वाली चीज, ये वाली जो चीज़ है 50th जो है वो यहाँ पर आएगी, इस वाली इंक्लूड होगी। सी एफ आप ऊपर वाली मानोगे, ये आपकी एफ होगी, ये आपकी लोअर लिमिट होगी, और एन अपॉन टू की वैल्यू आपकी 50 है, ठीक है। तो ये सारी वैल्यूज आप इस फॉर्मूला में पुट करोगे और आपकी मीडियन जो है वो 27.407 आएगी। सिंपल कैलकुलेशंस आप कैलकुलेट कर सकते हो। अब हमारा बच गया बस और बस मोड, ठीक है।
तो मोड आपको तीन चार चीजों में पढ़ना है, सॉरी पांच चीजों में, सीरीज ऑफ इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन, डिस्क्रीट कंटिन्यूअस, ग्राफिकल लोकेशन ऑफ मोड, और मोड फ्रॉम मीन एंड मीडियन. ठीक है, तो सबसे इजी ये है, फिर ये है. ओके, तो ये भी इजी है. पहले हम ये इजी इजी वाले कर लेते हैं, फिर हम इस पे चलेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले हम आते हैं मोड फ्रॉम मीन एंड मीडियन. कि कभी आपको मीन और मीडियन दे रखी हो तो उस पे से आपको मोड कैसे निकालना है. इसका एक फॉर्मूला होता है, मोड इज इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन. ठीक है, अब कभी आपको मीडियन की वैल्यू दी हो, कभी मीन की दी हो, तो आप उसमें से मोड निकाल सकते हो भाई ये फॉर्मूला पुट करके. जैसे कि अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि आपको मीन 8 दे रखी है, मीडियन 61 है, तो मोड निकालो. बस इस फॉर्मूले में पुट कर दो कि 3 × 61 − 2 × 8, तो मोड आ जाएगा. यहाँ पर देखो 3 × 61 होता है 183, और 2 × 58 होता है 116, तो मोड आ गया आपका 67 माइनस करने पर. और सेम यही क्वेश्चन है कि मोड आपका 12 है, मीडियन 16 है, तो मीन निकालो. तो यहाँ पर देखो फॉर्मूला लगाओ, मोड 12 है, मीडियन आपको 16 दे रखा है, तो 3 × 16 = 48 होता है, माइनस 2, और मीन को आपने एक्स बार लिखा हुआ है. ठीक है, तो एक्स बार की वैल्यू लास्ट में आपकी आ जाएगी 18, सिंपल कैलकुलेशन से. अब ये हो गया हमारा मोड फ्रॉम मीन एंड मीडियन. मोड ग्राफिकल लोकेशन भी देख लो कि मोड की कैसे निकलेगी. यहाँ पर आप देखो कि अगर आपको ग्राफ से मोड निकालना है, तो जैसे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें आपको मार्क्स दिए हुए हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिया हुआ है. ठीक है, तो अब यहाँ पर आप क्या करोगे, सबसे पहले एक्स एक्सिस बनाओगे और वाई एक्सिस बनाओगे. ठीक है, एक्स एक्सिस पे आपको मार्क्स रखने हैं. यहाँ पर लिख देती हूँ मैं नीचे कि यहाँ पर मैंने मार्क्स लिए हैं, और इस वाई एक्सिस पे आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिखना है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. ठीक है, ये मैंने यहाँ पे लिख दी है, आप भी लिख लेना. अब हम क्या करेंगे, प्लॉटिंग कर देंगे कि 0 से लेकर 10 तक 5 बच्चे हैं, तो 0 से लेकर 10 तक 5 बच्चे, ऐसे 10 से लेकर 20 तक 12 बच्चे हैं, तो यहाँ पर 12 बच्चे, उसके बाद फिर 14, फिर 10, फिर 8, फिर ऐसे ऐसे करके पूरा आप ग्राफ प्लॉट करोगे. अब आपको ये देखना है कि लास्ट में इन सारे रेक्टेंगल में से सबसे ऊंचा रेक्टेंगल कौन सा है. तो आप देखो ये वाला जो रेक्टेंगल है ना, ये आपका सबसे ऊंचा वाला रेक्टेंगल है. अब आपको क्या करना है, इसको यहाँ से ऐसे ज्वाइन करोगे, और यहाँ से ऐसे ज्वाइन करोगे, और ये जो आपने क्रॉस ज्वाइन करा है, ये इंटरसेक्ट करता है इस पॉइंट पर, और इस पॉइंट को आप नीचे लेके आओगे, स्केल से मेजर करोगे इस पॉइंट को, तो जो आंसर आपका आएगा वो आपका मोड हो जाएगा. अब आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हो. कैसे वेरीफाई करोगे, ये देखो, तो जैसे आपकी मॉडल क्लास की मोड आपका यहाँ पर आया 20 और 30 के बीच में, तो मॉडल क्लास आपकी 20 और 30 हो गई, तो लोअर लिमिट कितनी हो गई आपकी 20. तो मॉडल क्लास कैसे निकालोगे, L1 + F1 − F0 / 2F1 − F0 − F2 × I. आई देख लो पहले कैसे निकलेगा, आई तो देखो इन सब के बीच में कितना कितना गैप है, 10 गैप है, तो आई तो आपका 10 आ गया. L1 आपका यहाँ पर 20 निकल ही गया था. ठीक है, उसके बाद मॉडल क्लास कितनी थी, 20 और 30 वाली. 20 और 30 वाली में जो फ्रिक्वेंसी आपकी, वो आपकी F1 हो जाएगी, पहली वाली फ्रिक्वेंसी F0 हो जाएगी, और बाद वाली फ्रिक्वेंसी F2 हो जाएगी. और सबकी वैल्यूज इस फॉर्मूले में पुट करने के बाद आपका मोड आएगा 23.33, जो कि आपका यहाँ पर ज्वाइन करने के बाद स्केल से मेजर कर रहे थे तब भी वो आया है. तो इस तरीके से आप वेरीफाई भी कर सकते हो. ठीक है, तो ये हो गया आपका ग्राफिकल मेथड से मोड कैसे निकालते हैं. अब मोड फ्रॉम इंडिविजुअल सीरीज या फिर मोड फ्रॉम इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन के भी दो तरीके है, एक डाटा आ रहा है और एक डिस्क्रीट सीरीज. ये डिस्क्रीट सीरीज वो वाली डिस्क्रीट सीरीज नहीं है, इस डिस्क्रीट सीरीज के बाद भी इसकी जगह एक और डिस्क्रीट सीरीज आएगी. ठीक है, तो पहले डाटा आ रही देख लेते हैं. यहाँ पर देखो क्वेश्चन देखो, फाइंड आउट द मोड ऑफ द फॉलोइंग मार्क्स ऑब्टेन बाय 15 स्टूडेंट्स इन द क्लास. तो अब आपको यहाँ पर मार्क्स दिख रखे हैं. ठीक है, तो ये मार्क्स है, इसमें से आपको मोड निकालना है विद द हेल्प ऑफ डाटा आर. ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले इन मार्क्स को आप असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लो. तो मैंने यहाँ पर असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया. अब ये आप पूछोगे कि डाटा आर होता क्या है. डाटा आर का मतलब ही ये होता है कि आप इस अरे को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर रहे हो. तो पहले आपने इस डेटा को अरे में अरेंज करा है, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया. अब आपने जब असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया, तब आप देख रहे हो कि ये 7 वाला जो मार्क्स है ना, वो बहुत बार रिपीट हो रहा है, यानी कि हमारे जो 7 है ये मोड हो गया. सिंपल, तो ये डाटा अरे होता है. तो इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन का डाटा अरे खत्म हो गया. अब डिस्क्रीट सीरीज पे आते हैं. डिस्क्रीट सीरीज कैसे करोगे, सबसे पहले मार्क्स लिखे आपने,
जितने भी आपके मार्क्स है 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, यहाँ पर यही तो है 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 है ना मार्क्स, यही तो है। उसके बाद चार मार्क्स कितने बच्चों के आए, दो बच्चों के, तो दो टैली बार खींच दिए। फिर उसके बाद 5 भी 2, फिर 6 भी 2, फिर 7, 4, फिर 8, 2, फिर 9 भी 2 और 10, 1, तो ऐसे यहाँ पर मैंने सारे टैली बार बना दिए। और इनकी फ्रिक्वेंसी लिख दो, दो 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 चार चार, लेकिन सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी किसकी आई है, ये वाली फोर्थ वाली, तो ये मॉडल फ्रिक्वेंसी तो ये हो गई। और हमारे मोड क्या हो गया, 7 मार्क्स, समझ में आ गया। तो ये होती है डिस्क्रीट सीरीज। अब हम असलियत का मोड फ्रॉम डिस्क्रीट सीरीज करेंगे। मोड फ्रॉम डिस्क्रीट सीरीज में दो चीज़ें हैं, बाय इंस्पेक्शन और बाय ग्रुपिंग। बाय ग्रुपिंग आता है पेपर में हमेशा, ठीक है, और बाकी तो मुश्किल ही है। तो मोड फ्रॉम डिस्क्रीट सीरीज बाय इंस्पेक्शन करते हैं सबसे पहले। तो हम तो यहाँ पर हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि वेजेस हमें गिवन है और यहाँ पर नंबर ऑफ पर्सन गिवन है, ठीक है, बाय इंस्पेक्शन कर रहे हैं हम, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा हाईएस्ट नंबर ऑफ पर्सन कितना है, 21 है ना, 21 है, तो इसका मोड जो है वो 2 to 5 वेजेस हो गया। तो ये बाय इंस्पेक्शन मतलब आंखों देखी, मतलब जो भी हाईएस्ट होगा वो आपका मोड हो जाएगा सामने वाली चीज़। अब बाय ग्रुपिंग इंपॉर्टेंट है, डिस्क्रीट सीरीज में भी आपको ग्रुपिंग सीखनी है और कंटिन्यूस सीरीज में भी आपको ग्रुपिंग सीखनी है, ठीक है। तो ग्रुपिंग में क्या होता है, अब ये ध्यान से सुनना, ग्रुपिंग में आपके होते हैं 6 कॉलम। कौन से कॉलम, कितने कॉलम होते हैं, 6 कॉलम। कॉलम नंबर 1 में जो आपकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है उस पर गोला लगाओ। अभी पहले थ्योरी बता देती हूँ, उसके बाद तुम्हें जो प्रैक्टिकल करवा के दिखाऊंगी तब तुम्हें समझ में आ जाएगा। कॉलम नंबर 2 में सारी फ्रीक्वेंसीज को दो दो के पेयर में ग्रुप कर दो। कॉलम नंबर 3 में पहली फ्रीक्वेंसी को छोड़ के बाकी सारी फ्रीक्वेंसी को दो दो में ग्रुप कर दो। कॉलम नंबर 4 में फ्रीक्वेंसीज को 3 के उसमें ग्रुप कर दो, ठीक है। कॉलम नंबर 5 में पहली फ्रीक्वेंसी को छोड़ के बाकी सारी फ्रीक्वेंसीज को 3 का ग्रुप में अरेंज करो। और कॉलम नंबर 6 में पहली 2 फ्रीक्वेंसीज को छोड़ के बाकी फ्रीक्वेंसीज को ग्रुप में अरेंज, 3 के ग्रुप में अरेंज करो। और लास्ट में एनालिसिस टेबल बनाओ। क्या बोल रहे हो आप, ये समझ नहीं आ रहा। क्वेश्चन देखो अब, ठीक है, क्वेश्चन क्या है, आपको यहाँ पर वेजेस गिवन है, जो मैंने अभी आपको क्वेश्चन ऊपर दिखाया था वो वेजेस गिवन है, नंबर ऑफ पर्सन गिवन है। नंबर ऑफ पर्सन आपकी फ्रीक्वेंसी है और इसी को आपने कॉलम नंबर 1 लिया। कॉलम नंबर 1 के साथ साथ मैंने कॉलम नंबर 2, कॉलम 3, कॉलम 4, कॉलम 5 और कॉलम 6 बना लिए, ठीक है। आप कॉलम नंबर 1 में उन लोगों ने क्या बोला था कि जो हाइएस्ट नंबर है उस पर गोला लगाओ, सर्कल लगाओ। तो इसमें से सबसे हाइएस्ट नंबर क्या है, 21, लगा दिया गोला। कॉलम नंबर 2 में उन्होंने क्या बोला था कि जितनी भी आपकी फ्रीक्वेंसी है उसको दो दो के ग्रुप में बांट दो। तो मैंने कॉलम नंबर 2 में 1 ग्रुप 2 ग्रुप 3 ग्रुप बना दिए, दो दो के ग्रुप में 1, 2, 3, कॉलम नंबर 2 पूरा हो गया। अब मैंने जैसे कॉलम नंबर 1 में पहला ये बना दिया ग्रुप, तो 8 + 3 11, 21 + 6 27 और 7 + 2 6 है ना। तो अब यहाँ पर 11, 27 और 6 में से कौन ज़्यादा हाईएस्ट है, 27, तो मैंने 27 पे गोला लगा दिया। तीसरी वाली में क्या करना था कि हमें पहली वाली फ्रीक्वेंसी को छोड़ के बाकी सारी फ्रीक्वेंसी को दो दो के ग्रुप में लेना था। तो पहली वाली फ्रीक्वेंसी मैंने छोड़ दी, बाकी फ्रीक्वेंसी को दो दो के ग्रुप में मैंने ले लिया। अब 8 + 21 29 होता है और 6 + 4 10 होता है, तो 29 और 10 में से हाईएस्ट कौन सा है, 29 हो गया। फोर्थ फ्रीक्वेंसी में हमें क्या करना है, सारी फ्रीक्वेंसीज को 3-3 के ग्रुप में लेना है, यानी कि 3, 8 और 21 और 6, 4 and 2। अब इनको टोटल करूंगी, 3 और 8 कितना होता है, 11, 11 + 21 32 होता है और 6 + 4 10, 10 + 2 12 होता है। तो 12 और 32 में से हाईएस्ट कौन सा है, 32, ठीक है। अब क्या करना है आपको, फिफ्थ वाले में पहली फ्रीक्वेंसी को छोड़ के बाकी फ्रीक्वेंसी को 3 के ग्रुप में ऐड करना है। तो मैंने 8, 21 और 6 को 3 के ग्रुप में ऐड कर दिया, लेकिन आगे और 3 का ग्रुप बन नहीं रहा, तो ये एक ही ग्रुप बनेगा। तो 35 इनका सम आ गया, 8, 21 और 6 का। और सिक्स वाले कॉलम में मुझे क्या करना था कि मुझे पहली 2 फ्रीक्वेंसीज छोड़ दी है, यानी कि 3 और 8 वाली, और बाकी जो फ्रीक्वेंसी बची उसको 3 के ग्रुप में करना है। लास्ट में बचेगा एक, वो किसी के साथ बन नहीं रहा, तो ये 21, 6 और 4 जो है वो हमारा 31 हो जाएगा, ठीक है। तो अब जो हाईएस्ट था वो साथ की साथ मैंने सर्कल भी कर लिया। अब हमें क्या करना है, एक एनालिसिस टेबल बनाना है, ठीक है। ये एनालिसिस टेबल मैंने यहाँ पर आपका बना दिया। इस एनालिसिस टेबल में सबसे पहले आप सारे कॉलम लिखोगे, कॉलम 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ऊपर आपको सारी फ्रीक्वेंसी लिखनी है। फ्रीक्वेंसी आपकी ये रही,
ऊपर आपको सारी की सारी वेजेस लिखनी है, यानी कि 125, 175, 225, ये जितनी भी आपको यहाँ पर गिवन थी वो सारे आपने लिख ली। अब आपको ये देखना है कि ये जो 125 वाली फ्रिक्वेंसी है, यानी कि ये वाली, ये कितने में हाईएस्ट है, कितने कॉलम्स में ये हाईएस्ट है। तो हाईएस्ट ना ये इनसे देखा जाता है, ये जो आपने गोले गोले लगाए हैं ना, इनसे हाईएस्ट देखा जाता है। तो ये जो 125 है ये कितनों में हाईएस्ट है, ये हाईएस्ट है इस वाले ग्रुप में, है ना, यानी कि फोर्थ कॉलम में ये हाईएस्ट है। तो मैंने 125 के आगे फोर्थ कॉलम का लगा दिया कि ये फोर्थ कॉलम में 125 हाईएस्ट है। ऐसे ही 175 देखो, 175 जो है वो एक तो थर्ड कॉलम में हाईएस्ट है, फोर्थ कॉलम में हाईएस्ट है, फिफ्थ कॉलम में भी हाईएस्ट है। तो ये तीन कॉलम में हाईएस्ट है, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। ऐसे ही 225 सारे कॉलम में हाईएस्ट है। देखो 225 इसमें भी है, इस कॉलम में हाईएस्ट, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, सारे कॉलम में हाईएस्ट है। ऐसे ही मैंने सारी जितने भी आपके वेजेस है सबका देखा कि कौन सा कितने में हाईएस्ट है, लेकिन आप और नीचे सबका टोटल कर लिया। बट मैंने ये देखा कि ये जो 225 वाला वेजेस है ना, ये हर कॉलम में या फिर मैक्सिमम कॉलम में यही हाईएस्ट आ रहा है। और मोड का तो ये रूल ही होता है कि जहाँ पर ये सबसे ज़्यादा हाईएस्ट होगा वही चीज़ को हम मोड मानेंगे। तो 225 इज़ द मोड, समझ में आ गया। अब ये होती थी डिस्क्रीट सीरीज। लास्ट हमारी बचती कंटिन्यूस सीरीज। कंटिन्यूस सीरीज में वही मोड का फॉर्मूला होता है जो मैंने आपको अभी पहले ऊपर करवाया था कि मोड इज इक्वल्स टू एल वन प्लस एफ वन माइनस एफ जीरो अपॉन 2f1 माइनस एफ जीरो माइनस एफ टू मल्टीप्लाई बाय आई। आई तो आपको पता है गैप होता है, और l1 जो होता है लोअर लिमिट होता है, f1 क्या होता है जो उसकी फ्रीक्वेंसी होती है, f1 से पहले वाली फ्रीक्वेंसी को हम f0 बोलते हैं और f1 से बाद वाली फ्रीक्वेंसी को हम f2 बोलते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन कर लेते हैं हम इसी के हिसाब से। तो हमें क्लास दे रखी है बिलो 15, बिलो 20, बिलो 25, और फ्रीक्वेंसी यहाँ पर दे रखी है ना। और यहाँ पर आप देख रहे हो कि पहले 15 है, फिर 20 है, फिर 25 है, फिर 30 है, ऐसे ऐसे करके, तो पाँच पाँच का गैप आ रहा है। लेकिन यहाँ पर बिलो लगा कि इन्होंने काम बिगाड़ा हुआ है, तो हम इसको आप पाँच 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 माइनस करके अच्छा सा क्लास इंटरवल बना लेते हैं। तो मैंने इन सब में से पाँच पाँच माइनस कर दिया, जैसे 15 में से पाँच माइनस किया तो 10 आ गया, 20 में से पाँच माइनस किया तो 15 आ गया। तो ऐसे ऐसे करके मैंने सारे क्लास इंटरवल इतने बना लिए और यहाँ पर मैंने फ्रीक्वेंसी लिख दी। अब मुझे वही टेबल बनाना है, मतलब कॉलम वगैरह बनाने। क्लास लिखा, फ्रीक्वेंसी लिखी, फ्रीक्वेंसी जो ये वाली थी वही आपको यहाँ पर लिखनी है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी मैंने यहाँ पर लिख दी, इसको मैं थोड़ा छोटा बना देती हूँ। और इस फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम को आप क्या लिखोगे, कॉलम नंबर 1। इतना समझ में आया। अब यहाँ पर देखो वही टेबल आपको याद रखना है, कॉलम नंबर 1 में जो सबसे ज्यादा हाईएस्ट है वो मार्क करो। सबसे ज्यादा हाईएस्ट कौन है यहाँ पर, 55। ठीक है, 55 यहाँ पर कॉलम सबसे ज्यादा हाईएस्ट है। उसके बाद आपको सेकंड कॉलम में क्या करना होता है, हर एक को दो दो के ग्रुप में अरेंज करना होता है सारी फ्रिक्वेंसी को। फ्रिक्वेंसी नंबर 1, 2, 3 ये मैंने अरेंज कर दिया। अब इनको ऐड भी कर दो, 3 + 10 = 13, 26 + 38 = 64, 47 + 52 = 99। तो इसमें से सबसे हाईएस्ट कौन सा होगा, 99, तो 99 पे गोला लगा दिया। अब 13 वाले थर्ड कॉलम पे क्या करना है, पहली वाली फ्रीक्वेंसी को छोड़ के जितनी भी फ्रीक्वेंसी बची उनको दो दो के ग्रुप में अरेंज करना है। तो 10 और 26 का एक ग्रुप, 38 और 47 का एक ग्रुप, 52 और 55 का एक ग्रुप। तो 10 और 26 का ऐड करोगे तो 36, फिर 38 और 47 का 85, फिर 52 और 55 का 107। तो इन तीनों में सबसे हाईएस्ट क्या होगा, 107। अब फोर्थ का देखो क्या होगा, फोर्थ कॉलम में सारी फ्रीक्वेंसीज को हमें तीन तीन के ग्रुप में करना है अरेंज। तो इन तीनों फ्रीक्वेंसीज को मैंने करा अरेंज, फिर इन तीनों को करा अरेंज फोर्थ कॉलम में, और इन तीनों का एडिशन करूंगी तो यहाँ पर 39 आएगा, इन तीनों को करूंगी तो 137 आएगा। लेकिन 39 और 137 में से 137 जो है वो हाईएस्ट आएगा। ठीक है, तो इस पर मैंने गोला लगा दिया। फिर फिफ्थ कॉलम में आपको फ्रीक्वेंसी नंबर 1 छोड़नी है और बाकी सारी फ्रीक्वेंसीज को तीन तीन के ग्रुप में करना है ज्वाइन। तो मैंने इसमें कर दिया और इसमें कर दिया तीन के ग्रुप में, और यहाँ पर 71 आया है इन तीनों का सम, और इन तीनों का सम 154। 74 और 154 में से हाईएस्ट कौन सा है, 154। और सिक्स्थ वाले में फर्स्ट फ्रीक्वेंसी छोड़नी होती है और सेकेंड फ्रीक्वेंसी छोड़नी होती है, और ये वाला जो ग्रुप है बाकी जो बचे हैं उनको तीन में करना है, और 111 इसका हाईएस्ट आंसर आ गया। ठीक है,
अब मैं क्या करूंगी, सब में मैंने हाईएस्ट गोले गोले लगा दिया। अब मैंने एनालिसिस टेबल भी यहीं पर बना दिया। एनालिसिस टेबल में कैसे करूंगी हम कि ये वाली जो क्लास है 10 to 15 वाली, ये किसी में हाईएस्ट आई? नहीं, किसी में हाईएस्ट नहीं आई। 15 to 20 वाली भी किसी में हाईएस्ट नहीं आई। 20 to 25 भी किसी में हाईएस्ट नहीं आई। 25 to 35 जो है वो एक इस 137 वाले में आई और एक 112, तो ये दो में आई, ठीक है, हाईएस्ट। फिर ये वाली जो क्लास है 30 और 35 वाली, ये इसमें आई और इसमें भी आई। नहीं, 30 और 35 वाली जो है वो इसमें आई हमारी एक, और एक 137 में भी आई, इसमें भी आई है और इसमें भी आई है। तो ये जो है वो हमारी 4 में आएगी, तो मैंने यहाँ पर 4 लिख दिया, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये वाली जो फ्रीक्वेंसी है ये 1, 2, 3 और 4, ये भी 4 में आई है, और ये वाली जो फ्रीक्वेंसी है ये हमारी 3 में आई है, तो मैंने यहाँ पर 3 लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, इस केस में एक चीज अचंभे वाली है, या तो शायद क्वेश्चन मिस्टेक हो गया या पता नहीं क्या था बुक में। यहाँ पर हमारे पास एनालिसिस टेबल में 2 फ्रीक्वेंसीज हाईएस्ट आ रहे हैं जो कि 4 वाली, और इनकी मॉडल क्लास ये बन रही है 30 और 35 वाली एंड 35 to 40 वाली। तो हम एक मॉडल क्लास ले लेते हैं इसमें से, ठीक है। तो मैंने मॉडल क्लास ले ली 35 से लेकर 40 की, और इसमें लोअर लिमिट आ गई आपकी 35 वाली। F1 देखो इसकी कितनी थी, 52, और F0 जो होगी वो 47 हो जाएगी, F2 जो है 55 हो जाएगी, और गैप जो था वो सब में 5 का था, तो I जो है 5 हो जाएगा। और इन सभी वैल्यूज़ को आप इस फॉर्मूले में पुट करोगे तो आपका मोड जो है वो 47.5 आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे से क्वेश्चन एक बार आप दोबारा प्रैक्टिस करना, बहुत आसान है ये क्वेश्चन। शायद हो सकता है कि हो सकता है कि 1% हल्का फुल्का इनमें गलती हो कि क्वेश्चन फ्रेमिंग में ही, बट तरीका सॉल्व करने का ऐसे ही होगा, आपका कोई एक आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं उसमें, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप ये वाले क्वेश्चंस जो मैंने खुद अपने हैंड से लिखे हुए हैं ये वाले आप कर सकते हो। अगर आपको ये वाले क्वेश्चंस चाहिए जो मैंने आपको इस पूरे पेजेस में बताए हुए हैं, तो आप इसका ये नोट्स आप टेलीग्राम पे ले सकते हो। अगर मुझे कोई डाउट है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके DM भी कर सकते हो। आई होप आपको मेरे पढ़ाने का तरीका, समझाने का तरीका, वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो एंड द एक्सप्लेनेशन, देन प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।